दिल्ली एमसीडी चुनाव के भी एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत के संकेत मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दूसरे नंबर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह सकती है। आइए जानते हैं पांच बड़े एग्जिट पोल के नतीजे। जी न्यूज के एग्जिट पोल में आपको स्पष्ट बहुमत के संकेत, भाजपा 82 से 94, आम आदमी पार्टी 134 से 146, कांग्रेस 8 से 14, अन्य 14 से 19। TV9 ऑन द स्पॉट MCD चुनाव के एग्जिट पोल, भाजपा 92 से 96, आम आदमी पार्टी 140 से 150, कांग्रेस 6 से 10, अन्य 3। दिल्ली MCD चुनाव इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल, भाजपा 70 से 92, आम आदमी पार्टी 150 से 175, कांग्रेस 7 से 4, अन्य 1। टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल में भी आपको स्पष्ट बहुमत मिले हैं। भाजपा 84 से 94, आप 146 से 156, कांग्रेस 6 से 10, अन्य 0 से 4। वहीं इंडिया टुडे एग्जिट पोल में कुल 250 वोटों में 34,505 सैंपल साइज में सर्वे हुआ है। दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की जीत के संकेत, इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी के जीत के संकेत मिले हैं। 250 सीटों में से भाजपा 69 से 91 सीटें, आप 149 से 171 सीटें, कांग्रेस 3 से 7 सीटें और अन्य 0। दिल्ली MCD इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी को महिलाओं ने 46% और पुरुषों ने 40% वोट दिया है। BJP को 34% महिला और 36% पुरुषों ने वोट दिया है। वहीं कांग्रेस को महिलाओं ने 9 और पुरुषों ने 11% वोट दिया है। अन्य को 11% महिलाओं ने तो 13% पुरुषों ने वोट दिया है। अब आपको बताते हैं कि निगम चुनाव में कब और कौन कहां से जीता है। साल 1958 में किसी को बहुमत नहीं मिला, 1962 में कांग्रेस, 1967 में जनसंघ, 1972 में जनसंघ, 1977 में जनता पार्टी, 1983 में कांग्रेस, 1997 में BJP, 2002 में कांग्रेस, 2007 BJP, 2012 BJP और 2017 में भी BJP ने जीत हासिल की थी। निगम चुनाव में अधिकतर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हुआ है, लेकिन अब लगातार दूसरी बार तीन प्रमुख दलों के बीच लड़ाई हो रही है। 5 साल पहले साल 2017 में आपने पहली बार निगम में ताल ठोकी थी और उसने तीनों निगमों में कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इससे पहले साल 2007 और 2012 के चुनाव में बसपा ने भी ताल ठोकी, लेकिन वह दोनों बार कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। नगर निगम के साल 1983 से 2007 के बीच हुए चुनाव में भाजपा का कांग्रेस का मुकाबला हुआ, जबकि साल 1977 में कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच चुनावी भिड़ंत हुई थी। उस समय भाजपा नहीं बनी थी और जनसंघ जनता पार्टी में विलय कर दिया गया था। साल 1980 में जनता पार्टी से निकलकर जनसंघ के नेताओं ने भाजपा का गठबंधन किया था। वही साल 1958 से 1972 तक कांग्रेस और जनसंघ के बीच चुनावी दंगल हुआ था। इस चुनाव में जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई, जबकि 1983 में कांग्रेस ने BJP को हरा दिया। साल 1990 में निगम के भंग कर देने के बाद 1997 में हुए चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन साल 2002 के चुनाव में उसे कांग्रेस ने करारी मात दी। BJP ने साल 2007 में एक बार फिर वापसी की और उसने निगम का विभाजन होने के बाद अस्तित्व में आई तीनों नगर निगम में भी साल 2012-2017 में भी जीत का सिलसिला जारी रखा। एकीकरण नगर निगम के पहली बार चुनाव साल 1958 में हुए थे। इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। जनसंघ, कांग्रेस और अन्य दलों के पार्षद समझौता करके अलग अलग सालों के दौरान निगम के महत्वपूर्ण पदों पर चुने गए थे। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए बहुमत प्राप्त किया। साल 1967 और 1972 में जनसंघ ने जीत हासिल की। इसके अलावा 1977 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अधिक सफलता नहीं प्राप्त करने वाली BJP का नगर निगम चुनाव में खूब दबदबा रहा है। इस चुनाव से पहले नगर निगम के हुए 11 चुनावों में 7 बार BJP ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 3 बार जीतने में सफल रही। मुंबई नगर निगम के पहले चुनाव में साल 1958 के दौरान किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, अब दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। साल 2017 में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार BJP अपना दबदबा बना पाएगी या फिर आप या कांग्रेस उसे रोक पाएगी, अब इसका खुलासा 7 दिसंबर को होगा। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को MCD चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। इसी दिन हिमाचल प्रदेश और 5 अन्य राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी जारी होंगे। सोमवार को वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे।
ये हमने अब तक के सबसे बड़े 5 नतीजों की जानकारी दी है। इसके साथ ही हम मतगणना के दिन जैसे जैसे मतगणना के रिजल्ट आते जाएंगे, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।